लोगों कम है, पर आती हूँ तो बोलती हूँ कौन भी नहीं आते। एमएलए तो नहीं चाहते इधर भर, फिर कोस देखते नहीं। उनका असिस्टेंट आती है, बोले तो 5 साल से मैं भेजती हूँ, बोलती है 5 साल है तो भी नहीं आते। இந்த மாதிரி வீடுங்க இருந்துக்குன்னு காம்பவுண்ட் ஊந்து ஒஞ்சி ஒரு ஆள் செத்துட்டாங்க. செத்து அனுப்புறதுக்கு இந்த தண்ணியெல்லாம் இப்படி தான் வருது, வேற எங்கேயும் இப்படி போகுது, இப்படி வருது ஃபுல்லாக. அந்த குப்பிங்கெல்லாம் எடுத்துன்னு வந்து போடுறாங்க, அதுக்கும் ஒரு கண்ட்ரோல் பண்ணோம். எங்கே இருக்கிற நாய்ங்கெல்லாம் வந்து குப்பை போடுது, அது நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணோம். இது சோறு வேஸ்ட்டாக கூட நல்லாயிருக்கும். பசங்கள்லாம் இருக்குதுங்க இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடுச்சுன்னா கவுன்சிலரும் வர்றதில்ல, எம்எல்ஏவும் வர்றதில்ல, எம்பியும் வர்றதில்ல. ஆனால் இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு கொசு இது பூச்சிங்கெல்லாம் மேலே பறக்குது, அப்படியே ஆளுங்க மேலே உக்காருது, கடிக்குது. அதெல்லாம் என்ன ஆகுறது? யாரும் வர்றதில்ல குப்பை எடுக்கிறதுக்கு. குப்பை எடுக்கிறதுக்கு வந்தால் கூட மேலக்கா எடுத்துகிட்டு மேலக்கா போயிடுறாங்க, அவ்வளோதான். இதெல்லாம் ஃபுல்லாக வாரதில்ல. காம்பவுண்ட் பயிலே தான் 2008 காம்பவுண்ட் இருக்கா बाद वो फुल आको सर्च करे 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 चले गए, वहाँ से फुल पानी आ जाता है। बारिश आया तो, बारिश ज़ोर से आया तो घरों को पूरा पानी आ जाता है, कचड़ा आता है। कचड़ा वाले आए तो क्लीन करो करते तो क्लीन नहीं करते, क्लीन करते नहीं, वही सर्च भाग जाती हूँ, वही से पूछती हूँ। फुल नीचे 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 गलीज गलीज रहे तो बच्चे ही कैला के आ रहे, हमने भी डर रहता नहीं। बोलो कोरोना है क्या भी, यहाँ का सिचुएशन कौन भी है नहीं कर रही, कौन भी नहीं आते एमएलए, कौन कौन भी नहीं आते। उनको वोट होना तो भाग को आती, वोट पूछती, तो वो रोड डलाती है, कोई फुट का रोड डलाती, भाग जाती, पानी डलाती चल जाती। पानी आ गया तो रहने होता, दूसरा रोड पूरा करना, ये कॉम्पाउंड पूरा बनाना, क्या तो देखना नहीं। ये बख्शी गार्डन, पीर बाउंड्री बख्शी गार्डन, कंप्लेंट जाको एमएलए कने भी करे, स्टेशन में भी करे, बीबीएमपी वाले भी आते नहीं, पूछे तो यहाँ वोट कम है, लोगों कम है, कर आती हूँ और को बोलती हूँ कौन भी नहीं आते। जा जाको एक 10 बार कंप्लेंट करी, कौन भी नहीं आ रही। एमएलए तो नहीं चाहते इधर भर। फिर साल से भी ऐसा कर रहे थे, अली बोले तो कंप्लेंट होगा थी, कंप्लेंट दिया तो वहाँ गाड़ी वाला भेज दूंगा थी, गाड़ी को गाड़ी वाला तो आता नहीं, आया तो दो उठाता बोले थी पक्कर को कुछ ले आया था, कल भी आया था, कल भी बोले उन्होंने उठाया नहीं। हाँ वो सामने भी वहाँ 1 महीने से फुड़गा हुआ, वो भी करा रही नहीं, ये रोड का 3 महीने होगा खुद को, कौन भी पूछने वाला नहीं, क्या भी नहीं। गली में पानी को दो टैंक पूरा तोड़ को दौड़ा ली, किसे जाओ बोलना हमने समझ में आ रहा नहीं। हाँ बच्चा बोला था तो बच्चे गलिया में फिरते रहते, घर छोटे छोटे रहते, अब उन्हें बैठा होगा तो काम बैठी, एक घर में 4-5 बच्चे रहते, अब पूरे मिल गया तो वो भी कोरोना भर जाता था उसने। तो हॉस्पिटल भी है बाजू, वहाँ से भी एक लेटर लिख को दिया, क्या भी हुआ नहीं है नहीं। यहाँ पूरा रोड फोट डाल को बच्चे पूरे गिर जा रही, रोड डालो कलर को बोलो, कल को बोल रही पूरे हैंड फिरता थी गाड़िया में। परसों एक जने हैंड गिर गए गाड़ी पिसल को चिकड़ में, एक पाँव आंटी का पाँव अटक गया था, उससे वो अंकल गालियां दिए दलाव रोड कल को, उससे दलाव ने बोल रही। रोड खोद को 3 महीना होगा, हालत बहुत ख़राब है रोड पूरा, गली से बारिश से आने जाने नहीं हो रहा, बच्चे ज़्यादा रहती हैं, बच्चों के ऊपर बहुत परेशानी हो रही है।
क्या भी इसका कौन भी देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, हालत ही बहुत अजीब दिस रही है। तुम्हें कभी कंप्लेंट करेंगे सर तभी? क्या कौन भी नहीं ना, कौन सुनने वाला है, कंप्लेंट सुनने वाला कोई भी नहीं है ना, सुने तो इसने बोलने के वास्ते कौन भी आ रही नहीं। ये आपको अपना ये रायपुरम का ही है सो कारपेंटर एम एल ए को जमीर अहमद भी रायपुरम वार्ड 137 और यहाँ पर जनवरी में शायद काम शुरू हुआ था और हमारे जाने माने जमीर साहब के अंडर में छह सौ पूरा हमें और यहाँ का जो काउंसलर है कैशो है, मैं किससे शिकायत करूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और अमीर भी से बातचीत हुई थी और इसका कंट्रैक्टर जो है संतोष का नाम था उसका, संतोष से बातचीत हुई तो ये बस ये हालात के बारे में बता रहा था। लेकिन जहाँ तक हुकूमत का सवाल है, मीटिंग में बार बार कह रहे थे कि ट्रांसपोर्टेशन और जो भी काम तुम्हारा सिविल का काम करना कर रही कर वो बोलते थे, लेकिन यहाँ पर हमारा रोड जो है एकदम इतना बदतमीज़ बना डाली, बहुत मुश्किल हो रहा चलने फिरने। दो में रोड का एक जायज़ा लियो और यहाँ पर हमारे से मेरे से बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं यहाँ पे, मैं लीडर क्या भी नहीं हूँ, मैं सोशल एक्टिविटीज़ से और कोई मेरा ये नहीं है, जो अच्छे हैं उनके साथ में हूँ इंशाल्लाह। तो उसके बावजूद भी और सलीम साहब जो बोले कि आज इसका कुछ करेंगे, अगर को बहुत तकलीफ़ हो रही है अपना और पाइपलाइन चलेगी पानी के बहुत परेशानी हो रही है इसका ये चलेगा मोहरिया खुद को खाली अल्टरनेटिव जो काम करे, संतोष करबोल का नाम था एक और अमीर भी के साथ ही सुने भी आया बात करे, वैसे भी दो दिन बाद फ़ोन से बातचीत हुई तो बस इन्हें अब ये हीला क्या दिए करके बोले तो इसका लॉकडाउन का दिए। लेकिन जब वो सिविल इसमें जो बात कर रही तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में ये काम सब करा सकती हैं करके है क्या भी ये नहीं है इसमें, अब हमें तो अंदर रहती हैं उनका काम कराना हो उसमें क्या भी ऑब्जेक्शन नहीं करके ये करेंगे। उसके बावजूद भी उन्होंने हमारा काम बहुत डिले कर डाले और एक छः महीने के बाद हमें खुद शर्म आती है कि हमें यहाँ रोड पर चलना फिरना बहुत मुश्किल है। देखिए किसकी जिम्मेदारी करना ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन कौम के वास्ते में कुछ अच्छा करना जो बड़े खड़े हैं तो ये मेरा सवाल है। और जब काम शुरू करे तो उनको मालूम होना चाहिए था कि काम डिजॉल्व तो हो गए बीबीएमपी, जब अमीर भी आए तो अमीर बोले कि एक इंशाल्लाह एक महीने में काम हो जाएगा, ये उनके जमीर भी के जेर सरपरस्ती में छह से होना। उसके बाद उन्होंने आए काम करे मोहरियाँ खोदे जो बोले अल्हम्दुलिल्लाह काम करा को दिए, करा को देने के बाद ये हालत इसकी ऐसी होती है और हमें ख्वाब में नहीं सोचे। हमारे एक बड़ों की एक रिक्वेस्ट थी इसमें कि ये पहले तार का रोड था 15 साल पहले ये तार का रोड था, उसके बाद से इन्हों जो है ये सीमेंट बना रहा है। हमें अब गुजारिश करें एकदम सबके साथ मिलकर इनोदा को हमें सब बोले कि भाई नहीं इनोदा ऐसा नहीं होता तो हमें ये करना करें, मैं इमरान हमें सब मिलकर जो है आवाज़ दिए तो इन्हों क्या करे तार के रोड को दिए। अब तार के रोड को देने के बाद अब इसकी हालत जो है फिलहाल ऐसा करके ही अब परसों एक 15 दिन पहले संतोष से बातचीत हुई पहले लॉकडाउन से पहले, तो संतोष क्या बोले वर्कर्स आना मुश्किल होगा हम ना उसके वास्ते प्रॉब्लम है करके बोले। अब आगे चलकर इसमें कौन जिम्मेदार है एनोडेट ये कौन ही मालूम नहीं, यहाँ तक कि हमारे जमीर भी अब कुछ पार्शमेंटी जयसूर्या के इसमें इन्वॉल्व थे और ये परेशानी थे उसमें ये कर रहे थे, कौन भी आया नहीं है और मोहल्ले में कौन पूछने वाला नहीं है, हमने लावार की तरह हो गए ये बच्चा को रमज़ान कैसा गुजारे हम ना मालूम हमारे रब को मालूम। बाबा रमज़ान में पूरा रमज़ान हमारे ऊपर ऐसा बीता क़यामत के सर का बीता रे बेटे, क्या हमारी परेशानी ये परेशानी फतरे ढोंडिया में चल ले को ये कर ले को वो कर ले को किसे बोले तो भी हमें आ रही सुबह आ रही ये आ रही वो आ रही कर कुछ बोले आई नहीं, बारिश आया तो ये पूरे घर के अंदर पानी, पूरे घर के अंदर पानी रे मेरे बच्चे पूरा चिक्कड़ पूरी फजी थी क्या गे अम्मा ये कोसा पंप करे थे ना मेरे बच्चे हमें ये कोसा करे थे ना मेरे बाप ये क्या करे रे बा कोई पूछने वाला नहीं है वोटा के टेम्पो आती है भाना अम्मा बाबा ऐसा वैसा कर ले खाता जोड़ का को ये कर रहा सत्यानाश कर रहा चल जाती वोटा ले लेती उनके जोर वाले बच्चा का ना उन्होंने अच्छे रहती हाँ। नाइन्थ मेन रोड गोरी पड़ा पादरीनपुरा गोली पड़ा मैं नाइन्थ मेन रोड से इन्नू दागो को इनायतुल्ला शरीफ मेरा नाम है, यहाँ किलाम्बा का दुकान खास घर वाले में यहाँ सामने 300 ये रोड है खोदे 3 महीने पहले, 3 महीने से इतनी आवाम को तकलीफ़ है पूरे रोड में चिक्कड़ है ना चलने ना फिरने ना तो क्या भी नहीं, यहाँ का काउंसलर रहता तो उन्हें कराया था उन्होंने ही अमीर भी उन्होंने एमएलए साहब की तरफ से कड़को करा रही सो आना फिर को देखना क्या भी नहीं हले तो देखो उन्होंने चामराज पेट वो अरफत नगर उधर के रोडांग को देखती इधर के रोडांग को देखते नहीं, यहाँ रत्ती भी काम क्या भी कराते नहीं, ये जिंदगी भर का होगा उनका क्या बोलो आज तक ये रोड को कौन तभी बोलन दे एम एल ए आया को आता ना यहाँ एक काम कराता ना तो एक काम होता, गरीबों को इतनी तकलीफ हो गया छोटे मोटे आदमियों को गाड़ियाँ जाते रहते तो तुम्हें बारिश आया स्टम्प आपको देखो एरिए को ये गाड़ियाँ चढ़ाती पूरा पानी घरांग को उड़ता पूरे घरांग के ऊपर उड़ता है इतनी तकलीफ है पूरा रोड चिक्कड़ ना ये काम कराते ना तो क्या भी नहीं,
बेकार का छुपके तो भी आना, शोबाजी करना, जाते रहना, यह सब कहते रोज चलता है। अल्लाह है, जरा जिन जपेंगे है। आता इन्होंने दूसरा MLA को लाना भी हमने मालूम है, आवाम के हाथ में है सब पूरा, यह कोई सी भी भरी बात नहीं। ऐसा कहते कि देख डाली हमें, बचपना गुजर गया, यहाँ पैदा हुई सो हमें अभी गली का 75 साल, मेरी भी उम्र 50 पर 8 साल हो गया। मालूम है सभी इन्हों क्या करती मालूम, आए तो उधर आती गाँव पूरा गुड़दड़ी इधर उधर, फिर को यहाँ से हूँ चले आती, ये गली को देखना करना क्या भी नहीं। आप वक्ता वो यही मेन रोड में कभी कभार आते सो वो भी नहीं, आए तो उधर का उधर ही चस्के। क्या फ़ायदा MLA रखो, क्या एरे को क्या अच्छा काम करी, क्या बना को ही उनके तरफ से क्या हो को है, ये काम हो को नहीं। खाली आना मजीदा मंदिरा में देवाला में थोड़ा बहुत चोबा बट डालना, अले तो दिखा डालना, चले जाना, इतना चुंगा धंधा, दूसरा क्या है। डेवलपमेंट क्या है दिखाओ, क्या तो भी एक डेवलपमेंट MLA से हो कोएगा को बोल को दिखाओ। हॉस्पिटल का तो दूर की बात, कोई सा भी एक काम हो को नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या कराती, हार्ट के हॉस्पिटल बनाती, ये बनाती वो बनाती, एक चीज़ भी नहीं। क्या गरीबों को क्या की करा को दे दूँगा, ये काम क्या तो भी उनके तरफ से एरे को होकर रहा तो कुछ बोलो। मुसलमाना उनको अच्छा मालूम है किसी हालत से उनको वोट डालती हैं, समझ में आ रहा है। खाली वोट के तरीके से आती, ये गली को फिर को भी देखते नहीं होना। इलेक्शन के टाइम आती सबको पाती, इलेक्शन के टाइम वो बाखदा आती। हाँ को क्या है, एक दिन दो दिन काम हुआ, कोंडिंग होते के मन छपे तो फिर एड्रेस नहीं, फिर 5 साल के बाद गिनती के बाद ना फिर आदमी जिंदगी में ये रोड को चाहता नहीं। फिर इलेक्शन में दिखाओ, कौन तो भी दिखा दे प्रूफ, ये रोड को आता है वो आदमी। जमीर अहमद खान खुला बोलना कि अभी कहते बोलोगे तो बोलती।